Hi everyone, am I audible? बेटा मेरी आवाज गूंज रही होगी आज, है ना? एक सेकेंड देंगे आप मुझे? हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या एक्सटर्नल साउंड ज़्यादा हैं? हेलो, लेट मी कम बैक. ओके, हाय, कौन कौन आ गया? हेलो अभय, हेलो यशोदा जी, हेलो वैशाली, हेलो मैक्स, हेलो विनू, जय श्री कृष्णा बेटा जी. यस, ऑडिबल है? आवाज़ ठीक आ रही है बच्चा आपको? प्लीज़ लेट मी नो आवाज़ ठीक है. अपनी वीडियो क्वालिटी प्लीज़ 480 पे कर लीजिए. वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? अबे बेटा, बस अभी कुछ दिन से तो आपको पता ही है तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी. तुम लोग मुझे अभी याद दिलाते हो, हर मॉर्निंग में याद दिलाया करो. किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि भाई जूम मीट करनी है इसकी. ठीक है? ठीक है बेटा जी, चलो जी. और बताओ, तैयारी कैसी है? कल होमवर्क किया सबने? मैंने कल आपको होमवर्क करने के लिए दिया था, किस किस ने होमवर्क कंप्लीट किया जल्दी जल्दी बताओ भाई. एनिमल किंगडम आपका बच गया था, आज एनिमल किंगडम करेंगे. ठीक है दीदू, अब तबीयत कैसी है? बेटा ठीक है, तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा सा देखो वो तो होता है, अभी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है तो. चलो जी, है ना? तो आज बेटा हमें क्या करना है? आज हमें करना है एनिमल किंगडम. प्लीज़ सबके साथ लिंक को शेयर कर दीजिए. ऑल गुड बेटा, सब बढ़िया. लिंक को शेयर कर दीजिए और आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे बिकॉज काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है. और इस बार देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हर बार 5, 10, 15 नंबर ऊपर ही जा रहे हैं कट ऑफ में, और जो सिलेक्शन रेट है वो भी उतना ही होता जा रहा है. क्योंकि देखिए, जब आप एक साल प्रिपेयर करते हैं ना, आपको लगता होगा कि आपने, सपोज़ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी प्रिपेयर किया था और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बच्चे नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर करते हैं, तो हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है. तो इसीलिए तैयारी ऐसी रखिए जिससे आपको एटलीस्ट डर ना हो मन में. ठीक है? और अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है या किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो काफ़ी बच्चे डीमोटिवेटेड हो रखे हैं, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी. देखिए, काफ़ी चीज़ें ना ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो किस्मत के भरोसे होती हैं. मैं मानती हूँ हार्डवर्क कहीं ना कहीं मैटर करता है, बट किस्मत भी बहुत मैटर करती है. तो इसीलिए कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. ठीक है? टाइम पे छोड़ देना चाहिए बेटा कुछ चीज़ों को, कि चलो कोई बात नहीं, होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो यार तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत है तो तुम किसी भी फील्ड में अच्छा कर लोगे. चले बेटा शुरू करें, एक एक हार्ट दे दो. एडेस इजिप्टा मॉस्किटो की प्रजाति ने आपको काटा था ना दीदी? हाँ जी बेटा. क्या करोगे मैम, आपकी वॉइस चेंज हो गई है, गला ख़राब है क्या? नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है बीमारी में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ही है.
इतनी एंटीबायोटिक खाई है कि अभी तक मुंह से एंटीबायोटिक का टेस्ट नहीं गया है। अरे अरे चलो 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 शुरू करें। आ जाओ बच्चों, मैं अब जरा 2 मिनट के लिए चैट रख रही हूँ क्योंकि अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो चैट हम रख रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा, आप में से काफ़ी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड करे हुए हैं, जिन्होंने नहीं करा है वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर लेना। हमने कुछ बेसिक चीज़ों की बात की थी जिसके बेसिस पे हमने हमारे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया था। ये बेसिक चीज़ों में कुछ क्राइटेरियाज थे, जैसे कि सिलोमिक बॉडी क्या होती है, या फिर जर्म लेयर्स क्या होती हैं, कितने टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं, या फिर हमने बात की थी सेगमेंटेशन क्या होता है, हमने बात की थी सिलोम क्या होता है ना, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी, या हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर लेना। आ जाओ, आज हम करने वाले निडेरियंस। क्या करने वाले? निडेरियंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा आपका क्विक रिवीजन करवाती हूं कि बेटा स्पॉन्जेस के बारे में तुम क्या जानते हो और क्या समझते हो, तो मैंने आपको स्पॉन्जेस के बारे में कुछ ऐसा क्राइटेरिया बताया था जिससे आप स्पॉन्जेस को बहुत अच्छे से, यानी पोरीफेरा को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो आप एक एक जरा टर्म चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी जल्दी, जो जो आपको याद हो वो एक बार फटाफट से लिख दीजिए बेटा। सारे बच्चे देखो, अगर एक एक चीज बोले तो अभी मैं अगर बात करूं स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस के बारे में तुम्हें क्या बताया, जैसे स्कॉच ब्राइट होता है, तो स्कॉच ब्राइट क्या होता है, वो पानी पे जब आप उसे डालते हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, छोटे छोटे पोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर पोर्स के बाद पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, एक कैविटी होती है जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करती है, उसकी एक बड़ी ओपनिंग भी होती है। ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है बेटा, ये सारी चीज़ें पोरीफेरा के बारे में थी, यानी स्पॉन्जेस के। ऐसे ही कुछ चीजें निडेरियंस के बारे में भी होती हैं, है ना। तो निडेरियंस क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जब एनिमल किंगडम से शुरू होता है, जब हम शुरुआत करते हैं तो हम पोरीफेरा पे आए, हम निडेरियंस पे आए। ये पानी में रहने वाली प्रजातियां होती हैं, ये जमीन पे नहीं पाई जाती। जितने भी ऐसी चीजें हैं, जब आप जाओगे प्लेटीहेलमिंथस पे, एस्किहेलमिंथस पे, तब आपको जाके ऐसी चीजें दिखेंगी जिनको आप एक्चुअल में देख सकते हो या लैंड पे जो पाई जाती हैं। उससे पहले कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लैंड पे पाई जाती है। ये सारी चीजें मैक्सिमली कहाँ पर होंगी, सब एक्वेटिक होती हैं। तो कभी कुछ ना समझ आए तो ये तो तुम्हें याद रखना है कि दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वेटिक में भी कैसे होते हैं बेटा, मराइन होते हैं। मराइन का मतलब क्या होता है, ये डीप वाटर में रहना पसंद करते हैं। जनरली समुद्र के अंदर आपको मिलेंगे, सी के अंदर आपको मिल जाएंगे, ओशियंस में मिल जाएंगे, जहां बहुत गहरा पानी होता है, ये जनरली वहां पर रहना पसंद करते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सिसाइल और फ्री स्विमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं फ्री स्विमिंग का क्या मतलब होता है। तो फ्री स्विमिंग का मतलब यहां पर क्या, मान लीजिए पानी है, तो इस पानी के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये खुला घूम रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म घूम रहा है, इसको किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, किसी के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, ये पानी के फ्लो के साथ घूमता है। उसी का उल्टा वर्ड होता है सिसाइल। सिसाइल का मतलब होता है जब ये किसी भी सरफेस से जाके अटैच हो जाते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जब ये सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। तो सरफेस पे अटैच जो चीज़ होगी उसको सिसाइल बोलेंगे, और हम बोलेंगे फ्री स्विमिंग। यानी ये दोनों तरीके से रह सकते हैं, ये सिसाइल भी हो सकते हैं और ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अटैच्ड भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। तो मैम ये रेडियली सिमेट्रिकल कैसे है बेटा, देखो रेडियली सिमेट्रिकल अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब मैं इसको कट करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे कट कर सकती हूं, एक मैं ऑब्लिक लाइन यहां से मार सकती हूं तो भी बेटा ये इक्वल बन रहा है, ये हाफ और ये हाफ इक्वल है, ठीक है। दूसरी लाइन में कहां से कट कर सकती हूं, ऑब्लिक प्लेन में, यहां से ऐसे कट कर सकती हूं तो भी ये सेम होगा। अगर मैं इसको ऊपर से कट करती हूँ तो भी ये सेम होगा। अगर मैं ऐसे बीच से कट करने की कोशिश करती हूँ तो भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। यानी ये कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल हो गया बेटा। कैसा हो गया, रेडियली सिमेट्री होगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियसली क्या बात की कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एनिमल होते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक और चीज, निडेरियंस जो नाम है इनका, वो नाम क्यों पड़ा, वो इनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स की वजह से पड़ा। तो बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले समझते हैं बेटे निडेरियंस। तो निडेरियंस में सबसे पहला जो सेल है, दैट इज नीडोब्लास्ट सेल। कौन सा सेल होता है, नीडोब्लास्ट। ब्लास्ट सेल्स हमेशा फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। कहीं पर भी तुम वर्ड सुनते हो नीडो,
ब्लास्ट है ना, या तुमने कहीं भी किसी भी चीज के पीछे ब्लास्ट लिखा हुआ सुना तो तुम समझ जाओ कौन से सेल की बात हो रही है, फॉर्मिंग सेल्स की बात हो रही है, जो सेल्स बनाते हैं, किसी सेल का निर्माण करते हैं। तो मैं ब्लास्ट की जगह साइट्स भी लगा सकती हूँ, है ना, यानी नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट दोनों सेम ही टर्म्स होते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कोई आपसे पूछे कि भाई निडेरियंस का नाम निडेरियंस क्यों है, तो आप बोलोगे निडेरियंस का नाम निडेरियंस इसलिए है क्योंकि निडेरियंस के पास नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है, सेल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या सेल्स होते हैं, इनके पास क्या होता है बेटा, स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है। स्टिंगिंग कैप्सूल का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे आप बोलते हो ना कि डंक है, डंक टाइप का एक कैप्सूल, एक कवरिंग होती है इनके पास, इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं इनके पास क्या होते हैं, नेमेटोसिस्ट के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो नेमेटोसिस्ट, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, यहां से क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए कि ये दोनों तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। राइट बेटा जी, चलिए आगे बढ़े। तो अब हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स एंड द बॉडी। यानी अगर मैं अज्यूम करूं तो न्यूडोब्लास्ट कैसे है, पानी के अंदर या तो फ्री स्विमिंग है, ठीक है, या फिर कैसे अटैच्ड है। तो मेरे दिमाग में अच्छा निडेरियंस है, तो निडेरियंस कैसे होंगे, या तो वो भाई खुला घूमते रहेंगे या फिर किसी सर्फेस से अटैच होंगे। अगर वो खुला घूम रहे हैं या वो किसी सर्फेस से अटैच हैं तो उनको बाहर सर्वाइव करने के लिए एक हार्ड कवरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। वो हार्ड कवरिंग कौन सी हो गई, कैप्सूल हो गया, ठीक है, ऐसे समझेंगे तो आपको इजी रहेगा। वो हार्ड कवरिंग क्या है, कैप्सूल। इस कैप्सूल का नाम क्या है, तो इस कैप्सूल का नाम क्या हो गया, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स के नाम से इसे जानते हैं। इस पूरे कैप्सूल के ऊपर जो इसकी कवरिंग है, स्ट्रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स का नाम क्या होता है, टेंटिकल्स बोलते हैं बेटा इनको, टेंटिकल्स, ठीक है। टेंटिकल्स का मतलब होता है जो ऐसे आपने देखो एंटीना टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट यूज्ड, नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर द एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे, ठीक है, फिगर 4.57 में आपको दिखाया हुआ है। ये पीवाई क्यों रह चुका है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है कि निडेरियंस के बॉडी में जो नीडोसाइट्स होते हैं, जो नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं या जो टेंटिकल्स होते हैं, ये किस किस चीज़ का काम करते हैं। तो पहला काम एंकरेज, एंकरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ना, एंकर करना, ठीक है, तो पकड़ के रखने का काम करते हैं अगर ये फ्री स्विमिंग नहीं है। दूसरा किस चीज़ का काम करते हैं बेटा जी, ये डिफेंस का काम करते हैं। डिफेंस मतलब अगर सपोज कोई प्रे इनके ऊपर अटैक करता है, कोई आता है, कोई शिकारी आता है जो इनके ऊपर अटैक करता है, तो उस अटैक से अपने आप को बचाते हैं। और अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, अपने शिकार को अगर इन्हें पकड़ना है, प्रे को पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के लिए भी इन टेंटिकल्स का यूज़ करते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था उसके अंदर क्या होंगे, आपको तीन चार ऑप्शन दिए होंगे, वो ऑप्शंस में और भी हो सकता है, एक दो चीज़ें इन्होंने ऐड कर रखी हो, बट आपको याद रखना है कि आपको ये तीन ही टर्म्स देखने हैं। इज दिस क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पहले ही बता रही हूँ, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ सकता है, इतना इजी मत समझिए, ध्यान से टर्म को देखिएगा। इनके पास क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ सिस्टम। अब पहले क्या था, जब आपने पॉरीफेरा पढ़ा तो आपने क्या बोला, सेलुलर लेवल है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, टिश्यू लेवल। टिश्यू में क्या होगा, एक स्टेप ओवर, मतलब ये बहुत सारे छोटे 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 सेल्स होंगे जो एक साथ रह रहे होंगे, ठीक है, और इसमें ये सेल्स एक टाइप के होंगे तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगे, तो इसलिए हम इसको टिश्यू टाइप बोलते हैं। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब हमने जब जर्म लेयर्स की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि जर्म लेयर्स कितने तरीके के होते हैं बेटा, जर्म लेयर्स होते हैं टोटल दो तरीके के, है ना, एक होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होता है, और एक होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बेटा जो डिप्लोब्लास्टिक होगा वो कौन होंगे, जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, तो अभी पॉरीफेरा हो चाहे आपके निडेरियंस पे हम आ गए हो, ये दोनों ही क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी दो लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जर्म लेयर होंगे लेकिन दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी होगी, एक एक्टोडर्म होगी, एक एंडोडर्म होगी, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं करा था उनके लिए, एक एक्टो होगी और एक एंडोडर्म होगी, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि एग्जिबिट डिप्लोब्लास्टिक इनका नेचर होता है।
इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रिक वेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। कई बच्चे ये चीज़ें नहीं लर्न कर पाते, तो जो बच्चे चीज़ें नहीं लर्न कर पाते मैं उनके लिए बता रही हूँ। बेटा जब आपने एक चीज़ समझी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रहता है, तो अगर वो पानी में रहेगा तो खाना क्या करेगा? खाना तो बनाएगा नहीं, तो खाना नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? पानी को ही लेगा। और जब कोई ऑर्गेनिज्म पानी लेता है तो पानी के द्वारा खाना भी लेगा, तो उसको खाना जब पानी के द्वारा मिल रहा है तो यानी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बॉडी में रेगुलेट करे। तो वर्ड को तोड़ लो, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी, यानी खाना और वेस्क्युलर सिस्टम जो है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। और गैस्ट्रो यानी गैस्ट्रो हो गया पेट, ठीक है, खाना जो गया, और वेस्क्युलर खून, जो खून बहता है यानी जो फ्लूड उनकी बॉडी में बह रहा है, ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो जो वो पानी लेते हैं अंदर वही खाना भी पहुंचाता है और वही उनकी बॉडी में घूमता भी रहता है। इसीलिए जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाएगा उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें बनती जाएंगी। तो क्या बनी पहली चीज़? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनी, जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होता है? माउथ ऑन द हाइपोस्टोम, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इसको समझते हैं, ये IAS का क्वेश्चन है, ठीक है। अब IAS के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था इसको समझते हैं। यहां क्या बोला है बेटा? गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी है विद सिंगल ओपनिंग। अब सिंगल ओपनिंग का क्या मतलब होता है? सिंगल ओपनिंग का मतलब होता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो कैसा होता है बेटा? कुछ होते हैं जो कि आपके ड्यूट्रोस्ट्रॉम्स होते हैं और कुछ दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जब बॉडी फॉर्म होती है तो किसी की बॉडी में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है और बाद में एनस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर पहले एनस का फॉर्मेशन होता है बाद में माउथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो अलग अलग ओपनिंग होती है, माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, यानी खाना इनटेक के लिए और बाहर निकलने के लिए दोनों अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं हो पाता। तो भले ही कैविटी बनने शुरू हुई है लेकिन वो कैविटी क्या है? यहाँ पे माउथ हो इनका या एनस हो, ये सेम होता है, तो एक ही चीज़ मानेंगे हम, उसको हम माउथ बोलते हैं, क्योंकि पहले फॉर्मेशन किसका हुआ है? माउथ का हुआ है, इसलिए हम माउथ बोलते हैं। कहाँ पर होता है? हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम का क्या मतलब है? सपोज मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। अब इस बॉडी में मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें जो टिप है वो कहाँ की तरफ है, तो आप बोलोगे मैम नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर मैं ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म को एज्यूम करवाऊँ और आपको बोलूँ बेटा ये बताओ कि यहाँ पर जो मुँह है वो कहाँ की तरफ है, तो आप बोलोगे मैम अंदर की तरफ है मुँह, नीचे की तरफ है। तो हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? नीचे की तरफ, जो मुँह होगा वो नीचे की तरफ होगा, फ्रंट में नहीं दिखेगा मुँह, ठीक है, हमारी तरफ फ्रंट में मुंह नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, क्योंकि ये छोटे ऑर्गेनिज्म है तो खाना खुद तो पचा नहीं सकते, और जो ऑर्गेनिज्म खाना खुद नहीं पचा सकते वो बाहर से पचा के लेकर आते हैं, इसलिए बोलते हैं डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है, बाहर से खाने को डायरेक्टली उसी मोड में एब्जॉर्ब करेंगे। एंड इंट्रा सेलुलर, अब देखिए जब इनको खाने के लिए बाहर से, सपोज मान लीजिए कि खाना बाहर पानी में अवेलेबल था, तो ये क्या करेंगे? एंजाइम्स वहाँ पे छोड़ेंगे और वहाँ से खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अगर खाना थोड़ा बड़े फॉर्म में और इनके बॉडी के अंदर चला गया तो ये अपने गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी, गैस्ट्रो तो खाने वाली प्रक्रिया हो गई, तो खाने वाले सिस्टम को यूज़ करके खाना इंटरनली भी डाइजेशन करते हैं, बट इंट्रा सेलुलर बहुत कम होता है। निडेरियंस जो होते हैं ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आपका PYQ है, ठीक है, कोरल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा बता दो फटाफट, कैल्शियम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है जल्दी? अच्छा ये जो बच्ची आई थी ओपन योर विंग्स वाली, इसने बोला मैम आती आपका ना गला ख़राब है। उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरा गला ख़राब है, मेरी आवाज़ चेंज हो रखी है। अब जब मैं बोलना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन में मैं अब बोल रही हूँ, तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मेरा गला सच में ख़राब है। अच्छा ओके, क्या बोले? बोन्स बोला आपने, वेरी गुड। टीथ बोला आपने, है ना, बोन्स में होते हैं, टीथ में होते हैं, ये सारे बॉडी में क्या? कैल्शियम। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोन्स और जो हमारे नेल्स होते हैं या जो हमारे टीथ होते हैं क्या ये हार्ड होते हैं? मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, क्या ये हार्ड होते हैं बेटा? यस और नो? बताओ क्या ये हार्ड होते हैं? यस होते हैं, है ना।
तो जहां कहीं तुम्हारे दिमाग में आया कैल्शियम, तो कैल्शियम सुनते हैं तुम्हारे दिमाग में, अच्छा हार्ड होता है, तो कार्बोनेट भी है साथ में, तो कितना हार्ड हो जाएगा, यानी हार्ड सब्सटेंस हो गए। यानी निडेरियंस की जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई इसका जो स्केलेटन है वो किससे बना है, हार्ड सब्सटेंस, जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सपोज मान लो ये निडेरियन मर गया, अब मर के जाके कहाँ जाएगा, समुद्र में नीचे ही तो जाएगा। अब ये नीचे जाके वहाँ पर सेटल हो जाता है, जब ये सेटल होगा तो हार्ड सब्सटेंस है, धीरे धीरे से बहुत सारे सेटल होते रहेंगे, मरते रहेंगे, सेटल होते रहेंगे, और क्या होगा, वहां पर रीफ्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एक पूरे के पूरे अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमेशा इस चीज को याद रखो, जैसे निडेरियन याद है, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैप्सूल होता है, स्केलेटन होता है, और वो जाके क्या करता है, बाद में कोरल्स यानी अर्थ का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि समुद्र के नीचे होती है। ठीक है, निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है कि निडेरियंस के पास दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं, कौन सा, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब ये पॉलिप और मेड्यूसा क्या होता है, ठीक है, द फार्मर इज अ सिसाइल एंड अ सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडमेंसिया एक्सेट्रा। अब कई बच्चे जो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये पार्ट छोड़ देते हैं, जैसे पढ़ा, अच्छा ठीक है हाँ फॉर्मर पूरा सब कुछ पढ़ा और उसमें इस लाइन को पढ़ लिया, समझ आ गया, छोड़ दिया। यहाँ पर होती है आपसे गलती। अब देखो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे उन्होंने कहा द फार्मर इज सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड दी एमेंसिया, मतलब एडमेंसिया मतलब क्या है कि जो बेसिक फॉर्म पाई जाती है, जो सबसे पहले पाए जाते थे, सबसे पहले वो सेसाइल होते थे, यानी अटैच्ड रहते थे, वो फ्री स्विमिंग नहीं थे, और कैसे थे, सिलेंड्रिकल उनके बॉडी हुआ करती थी। यानी कोई तुमसे पूछेगा कि निडेरियंस एक्चुअल में कैसे होते हैं, या फार्मर पहले निडेरियंस कैसे हुआ करते थे, सबसे पहले कैसे होते थे, तो तुम बोलोगे भैया देखो जो पहले होते थे वो सिसाइल होते थे और सिलेंड्रिकल होते थे। गॉट इट, गलत मत करना। कोई तुमसे पूछेगा एग्जाम्पल में क्या है, तो एनसीईआरटी का हवाला देते हुए हम क्या बताएंगे कि हाइड्रा होता है और एडमेंसिया होता है। वेयर इज लेटर, धीरे धीरे ये क्या बनने लगे, बाद में जब इनके अंदर डेवलपमेंट हुआ तो ये अम्ब्रेला शेप बनने लगे। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन के साथ इनके शेप्स चेंज होती रही, और क्या शेप बन गई, अम्ब्रेला शेप बन गई और फ्री स्विमिंग बन गई। कैसी बन गई, अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग। तो यानी पहले निडेरियन सिसाइल थे, अटैच्ड रहते थे और सिलेंड्रिकल शेप के थे, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो फ्री स्विमिंग हो गए, इधर उधर घूमने लग गए, और कैसे हो गए बेटा, उसके बाद इनकी शेप अम्ब्रेला शेप होगी। तो नोटेड डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एग्जाम्पल ऑरेलिया एंड जेली फिश। ठीक है, ऑरेलिया एंड जेली फिश इसके एग्जाम्पल्स है। दोज निडेरियन विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म, कुछ निडेरियंस ऐसे भी हैं जिनके बॉडी में पॉलिप और मेड्यूसा यानी अम्ब्रेला शेप और सिलेंड्रिकल शेप दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, PYQ। ये सब PYQ के क्वेश्चन हैं, सब आते हैं, सब आएंगे, आपको सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो फेमस क्वेश्चन क्या है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एनिमल किंगडम के किस फाइलम में पाया जाता है, तो आप बोलोगे निडेरियंस में पाया जाता है। इसको ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेसिस को क्या बोलते हैं, जनरेशन को मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। भाई देखो, पता है कि क्लासेस काफ़ी टाइम बाद हो रही है, लेकिन रिदम मत खराब करो, क्लास में आते हो तो सीरियसली क्लास का टॉपिक को पढ़ो, समझो, ठीक है बेटा, क्योंकि जो यहाँ पढ़ाया जाएगा तुम्हारे ही काम आएगा, मेरे कोई काम नहीं आने वाला। तो मेटाजेनेसिस से कंफ्यूज नहीं होना है, मेटामेरिज्म इज सेगमेंटेशन, जो मैंने पहले भी बताया था, और मेटाजेनेसिस इज ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जहाँ पे एक सिसाइल होता है तो सिसाइल का उल्टा फ्री स्विमिंग होता है, दूसरा अगर सिलेंड्रिकल है तो अम्ब्रेला शेप होता है। ठीक है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब देखो, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा ए सेक्शुअली, पॉलिप मेड्यूसा कैसे बनाता है, तो भाई पॉलिप देखो ये क्या है बेटा, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा ए सेक्शुअली। अब आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे ए, ये क्या है, ये है ऑरेलिया। ठीक है, क्या है बेटा, ऑरेलिया, राइट। और बी वाली क्या है, एडमेंसिया।
ये है आपका पॉलिप पी, ये है आपका मेड्यूसा, ठीक है। तो पॉलिप क्या करता है, मेड्यूसा को बनाता है एसेक्सुअली, मतलब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो मेड्यूसा है वो पॉलिप बनाएगा कैसे, सेक्सुअली। कैसे बनाएगा बेटा, ये बोर्ड पे लिखा नहीं जा रहा है, सेक्सुअली बनाएगा, वो फिगर के ऊपर ना ले नहीं रहा है, पेन नहीं ले रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या है, ओबिलिया, ओबिलिया जो होता है ये आपका इकलौता एक ऐसा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में जो आपको दिया हुआ है, जहाँ पर ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। कई बच्चे इसके एग्जाम्पल में ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में ऑरेलिया भी लगा देते हैं, हाइड्रा भी लगा देते हैं, जेलीफिश भी लगा देते हैं। ये गलत है, ये कोई तरीका नहीं होता बेटा क्वेश्चन करने का, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता, जिसमें से एग्जाम्पल है ओबिलिया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए एग्जाम्पल बेटा आप जितने भी हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया, यू हैव टू लर्न ऑल दीज एग्जाम्पल्स, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होते हैं इनका एक A4 शीट पे आप चित्र बना लीजिए इनके और इनके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, आपको एक एक एग्जाम्पल आपकी टिप पे होना चाहिए, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास टीनोफोरा, ठीक है। अब टीनोफोरा हमारा थर्ड फाइलम है, तो इस थर्ड फाइलम में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है। कॉमनली हम इन्हें क्या बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ वॉलनट टाइप दिखते हैं, जैसा अखरोट दिखता है ना आपको, कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इसलिए हम इन्हें सी वॉलनट के नाम से जानते हैं। और कैसा दिखता है, जैसे कि कैसा है, कॉम टाइप का ही दिख रहा है आपको। हमारे जो कॉम होती है उस कॉम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लाइन्स होते हैं, है ना, दांत होते हैं, टीथ होते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही दिखता है, इसलिए हम इसे कॉम जेलीज भी बोलते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है एक्वेटिक होंगे, पानी के अंदर होंगे। तो यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली मराइन, तो एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब क्या है कि ये अगर आप देखो ना, कहते हैं अच्छा किसी दुकान पे जाते हो, अरे यार ये बहुत एक्सक्लूसिव है, ये क्या है, ये जर्नल है, नॉर्मल है ना। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो चीज़ जर्नली या आप कहो कि बहुत ही कॉमन वे में, या अगर इनकी बात करो तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे, तो भैया ये मराइन होंगे, ठीक है। कहाँ पर होंगे, सरफेस पे कभी नहीं पाए जाएंगे, ये हमेशा मराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी कैसी है, रेडियली सिमेट्रिकल है, तो काट के देख लो बेटा, रेडियली सिमेट्रिकल है, यस, कहीं से भी काटोगे इक्वल पार्ट में कट हो जाएगी, सेंटर से किसी भी प्लेन से, तो कैसी हो गई, रेडियली सिमेट्रिकल हो गई बेटा, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, अभी तक हमें ये चीज़ याद रखनी है, जब तक आपका फाइलम कौन सा, प्लेटी हेलमेंथस नहीं आ जाता, तब तक आप हमेशा जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक ही रखोगे। जैसे ही हम प्लेटी हेलमेंथस पे पहुँचेंगे, उसके बाद हमारे जो लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उससे पहले के जितने फाइलम हैं वो सारे आपके क्या रहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, यानी दो जर्म लेयर के साथ रहेंगे। रीज़न दो हैं, पहला कि एक्वेटिक होते हैं, और दूसरा ये होता है क्योंकि वो कैसे हैं बेटा, लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब क्योंकि सबसे छोटा पॉरीफेरा हमने तो वो भी नहीं देखा बेटा, एक्चुअल में कैसे होते हैं, स्पॉन्जेस बहुत छोटे होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कहा भाई निडेरियंस, निडेरियंस भी बहुत छोटे होते हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा, हमने कहा टीनोफोरा, तो क्या सारे इतने छोटे हैं कि इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। टिश्यू में आपको जर्नली मिलेंगे, यानी स्ट्रक्चर टिश्यू बेस्ड होंगे। ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज एंड सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है आपका, पी वाई क्यू है बेटा, है ना। क्या है पी वाई क्यू, कि जो आपके टीनोफोराज होते हैं इनके पास टोटल कितने कॉम जेलीज में कितने कॉम्स पाए जाते हैं, कितने रिंग्स पाए जाते हैं, तो 8 एक्सटर्नल रोज पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पाए जाएंगे, 8 एक्सटर्नल रोज पाए जाते हैं। ये इनका आपकी कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो 8 एक्सटर्नल रोज पाए जाते हैं। उस 8 रोज के ऊपर सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, क्या लिखा है, रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या है, मतलब है कि सपोज मान लीजिए एक फुटबॉल है ना, उस फुटबॉल नहीं, फुटबॉल में तो वो होते हैं ना ब्लॉक, हाँ फुटबॉल,
बास्केटबॉल, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल कैसी होती है, ऐसे रेड कलर की बॉल होती है और उसमें ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, ठीक है। वो जो लाइंस हैं और वो जो फुट आपके जो बास्केटबॉल है वो एज इट इज़ बिल्कुल तीनों फोर है। आप ये समझिए कि जो ब्लैक कलर की लाइंस है उस ब्लैक कलर की लाइंस पे छोटे 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 बाल हैं, समझिएगा, ठीक है। जो आपकी बास्केटबॉल है उस बास्केटबॉल पे जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं उन ब्लैक कलर की लाइंस पे छोटे 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 थ्रेड लाइक बाल हेयरी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि भाई आठ रोज होती हैं जो कैसी हैं, सीलिएटेड होती हैं। सीलिएटेड मतलब क्या होता है, वहाँ पे छोटे 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 सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अच्छा बताइए सीलिया की क्वालिटी क्या होती है, वैशाली बताइए सीलिया की क्वालिटी क्या होती है, देखते हैं कौन बताता है। सीलिया और फ्लैजेला में मेजर डिफरेंस क्या होता है, सीलिया क्या चीज़ होती है, क्या उसकी मेजर क्वालिटी होती है, विशाल बताइए। नहीं बेटा कीवी में नहीं होता, कीवी ये जो तुम्हें ऐसा दिखा रखा है ऐसा नहीं होता। फ्लैजेलेटेड मोटाइल नहीं, फ्लैजेलेटेड मोटाइल और फ्लैजेलेटेड तो अलग ही चीज़ होगी ना, वो तो फ्लैजेला वाली बात होगी। जब मैं फ्लैजेलेटेड बोल रही हूँ तो मैं फ्लैजेला के लिए बोलूँगी ना, मैं सीलिया के लिए क्यों बोलूँगी। कैप्चर का काम करता है, ओके। और क्या चीज़ होती है, फिंगर लाइक। सीलिया को अगर समझना हो तो कैसे समझोगे कि सीलिया क्या चीज़ है, एनीवन एल्स। प्रोजेक्शंस, सीलिया पकड़ने का काम करता है तो फ्लैजेला क्या काम करता है, मेरा सुनो, ये इशिका को, इशिका जवाब दो। अरे हाँ, सीलिया और फ्लैजेला में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है, जो सीलिया होती हैं वो हमेशा एक साथ मूव करती हैं। सपोज मानिए ये सीलिया हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से वाटर आएगा तो वो एक साइड पे ऐसे टर्न हो जाएंगे, अगर इधर से पानी आएगा तो वो एक साइड पे टर्न हो जाएंगे। जो उनको मोटाइल बनाती हैं, होते नहीं हैं वो मोटाइल, वो हमेशा वाटर करंट फ्लो से चलते हैं, है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या करते हैं, ये हमेशा वाटर के करंट से चलेंगे। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, बहुत जगह होती है जहाँ पर सीलिएटेड होती है बॉडी, तो सीलिएटेड जो टिश्यू है उनका काम सरफेस एरिया इंक्रीज करना तो होता है, बट वो मूवमेंट किसके, वाटर के फ्लूड के करंट से मूव करते हैं, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं ईशिका, अब मिल गया आंसर, चलो। विच हेल्प इन लोकोमोशन, उसकी वजह से उन्हें क्या होगा बेटा, जब वो एक डायरेक्शन में पानी यहाँ से आया वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अभी वो इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से पानी आएगा तो वो इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो सीलिया इसीलिए छोटे और बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लैजेला जबकि लंबे और बड़े होते हैं, वो हमेशा मोटाइल होते हैं, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन, डाइजेशन कैसा होता है, बोथ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में इंजाइम्स को जर्नली, जो सपोज मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं तीनों फोर हूँ, अब मुझे डाइजेशन करना है तो मैं क्या करूँगी, मेरे बॉडी में जितने भी इंजाइम्स होंगे उन इंजाइम्स को मैं बाहर निकालूंगी, फूड पे डालूंगी, फूड को डाइजेस्ट करूंगी, पानी में फूड घुल जाएगा और उसके बाद मैं उसे एब्जॉर्ब कर लूंगी, ठीक है। ये हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली जो भी फूड होगा वो पानी के अंदर होगा, मैं उसको एब्जॉर्ब करूँगी, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करूँगी, डायरेक्टली बॉडी के अंदर ले लूँगी, मतलब बॉडी में लिया और डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया, समझ रहे हो, ये हो गया इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब क्या होता है बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब चमकते हैं, बायोल्यूमिनेंस होते हैं, इनके अंदर चमक होती है। तो अगर आप इन्हें पानी में कभी देखोगे तो ये आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इमिटिंग लाइट, कैसे होती है, ऐसा लगता है जैसे कि लाइट छोड़ रहे होंगे, तो ये कैसे होते हैं, इमिट करते हैं लाइट को, इसको हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डार्क से जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोराज। अब कई कई बच्चे क्या बोलेंगे, मैं पूछूंगे बेटा टीनोफोरा बताओ, तो टीनोफोरा में कई बच्चे कुछ अलग बताएंगे कुछ बताएंगे। अब उन्होंने लिख दिया इट इज वेल मार्क्ड। वेल मार्क्ड मतलब अगर कभी टीनोफोरा पहचानना हो तो भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी में आप बोलोगे मैम बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, उनके अंदर चमक होती है, वो चमकते हैं, लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी होती है, ये उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है।
ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड. सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड मतलब क्योंकि छोटा ऑर्गेनिज्म है तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, मेल भी पाया जाता है और फीमेल भी पाई जाती है. तो हम इसे क्या बोलेंगे कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड. तो कैन वी यूज टर्म हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट हम वर्ड यूज कर सकते हैं जी. तो ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं एनिमल, इसलिए हम यूज कर सकते हैं. रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स, मतलब क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं तो मेल गैमेट रिलीज होंगे, फीमेल गैमेट रिलीज होंगे, दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे और रिप्रोडक्शन हो जाएगा. तो क्या हुआ, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे. तो यहाँ पे मोड क्या है, सेक्सुअल है. अब जब सेक्सुअल मोड होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहता है समझिएगा, तो वो जर्नली पानी के अंदर ही अपने गैमिट्स को छोड़ता है. जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं है ना, जितने हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना अंडा और अपने जो गैमिट होते हैं उसको लैंड पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि लैंड पे कोई मोड नहीं है भाई, मिलेंगे कैसे, कोई मोड नहीं है. तो इसीलिए जो भी बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पे रहते हैं उन सबके बॉडी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है. लेकिन जितने छोटे ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहेंगे 90% ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होते, मेल गैमेट जनरली मोटाइल होते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत इजीली पानी के थ्रू मिल जाते हैं. और क्योंकि उनको पानी में ही सर्वाइव करना है तो वो इजीली सर्वाइव करने के लिए कैप्सूल फॉर्मेशन कर लेते हैं. कैप्सूल किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसको बना लेते हैं और उससे वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं. तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, यानी लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है. क्या बन रहा है, लार्वा बन रहा है बेटा. अब जब कभी भी लार्वा बनेगा तो वो सिमिलर नहीं होगा, लार्वा इज ऑलवेज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, यानी फ्रॉम द पेरेंट. जो पेरेंट्स होंगे उनके साथ दिखने में बिल्कुल अलग होगा, धीरे धीरे डेवलप होते हुए वो क्या होगा, पेरेंट जैसा दिखना शुरू हो जाएगा. एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये याद रखना है आपको, टिप पे होना चाहिए आपके. एंड आपका टीनोप्लेना, बताइए जी, इतने कम बच्चे देख के हमको ऐसा लग रहा है हम चैनल आज ही स्टार्ट किए हैं. दी एक क्वेश्चन है, सुनो, बोलो जी. अरे मिनी कैसी हो, मिनिका शुक्ला जी, बड़े परेशान रहते हो, क्या बात है. मैम खाना खाती हूँ, कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ दिन भर, तो भी मैं मोटी क्यों नहीं होती. ये तुम लोगों को क्या लगता है, मोटा होना कोई मतलब कोई बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बार मोटे होना शुरू हो जाओगे ना, फिर उसके बाद नहीं रुकने वाला, थमने वाला नहीं है सिस्टम. फिर धीरे 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 बॉडी चेंज होती रहेगी. तो अभी खुश रहो कि मोटे नहीं हो रहे हो, ठीक है. मेटाबॉलिज्म BMR अच्छा है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये कम हो जाएगा धीरे धीरे तो डाइजेशन कम होने लगेगा. अभी अपनी मर्जी से जो भी मन करता है खा लेते हो ना, ब्लेस्ड हो, डाइजेस्ट भी हो जाता है. बाद में ऐसा होगा कि कुछ भी खाने से पहले सोचना पड़ेगा, यार ये खा के मुझे एसिडिटी हो जाती है, ये खा के मुझे ओबेसिटी हो रही है, मैं इतना खा के चल नहीं पाती, नींद आती है. तो यू आर ब्लेस्ड, ठीक है. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होता है बेटा, यानी मेटाजेनेसिस. तो मेटाजेनेसिस मतलब ऑल्ट्रेशन ऑफ जेनरेशन, यानी एक से दूसरे जेनरेशन का फॉर्मेशन, ठीक है, मेटाजेनेसिस. मैम एसर्शन रीजन की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड एसर्शन रीजन चैप्टर वाइज. आपको एसर्शन रीजन करना है तो आप लोग चैप्टर कंप्लीट करके आ जाइए, मैं एसर्शन रीजन करा दूंगी, बाकी कुछ आपको दे भी देंगे, ठीक है. एसेशन रीजन करा देंगे क्योंकि एसेशन रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब वो तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा जी. आ जाओ, अब हम बात करेंगे प्लेटीहेलमिंथिस की, ये आज की लास्ट स्लाइड है, इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है बेटा. तो ईशिका अभी तुमने ही थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा और अब तुम कह रही हो मैं तो खुश हूँ, ये क्या बात हुई, दो तरफा बातें क्यों. हाँ भाई और तुम लोग के यहाँ बारिश हो रही है, बारिश वारिश हो रही है बेटा तुम लोग के यहाँ.
प्लेटीहेलमेंथिस, प्लेटीहेलमेंथिस यानी प्लेट लाइक, कैसे प्लेट, तो प्लेट कैसी होती है, प्लेट होती है फ्लैट, तो ये कैसे होते हैं, ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, यानी बिल्कुल फ्लैट होती है इनकी बॉडी, ठीक है। हमारे यहाँ तो रुक ही नहीं रही यार, बारिश ही नहीं रुक रही है। तो ये कैसे होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, तो इनकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इसका मतलब कई लोग नहीं समझते हैं तो समझिए, डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो का मतलब होता है बैक साइड, वेंट्रल का मतलब होता है आगे की साइड, यानी पीछे से लेकर आओगे देखोगे तो मेजरमेंट में बॉडी आगे तक बिल्कुल फ्लैट होगी। ऐसा नहीं है जैसे क्या होता है जर्नली, अगर हम किसी भी चीज़ की बॉडी को लेते हैं तो पीछे से सपोज फ्लैट है ना, कोई भी सरफेस होती है वो अपनी साइड से फ्लैट होती है, तो यहाँ पे हमने देखा फ्लैट है और हम आगे लेकर आ रहे हैं तो राउंड होती जा रही है, आगे आते थे राउंड हो जाती है, ऐसा नहीं होता। आगे हो ये जो पोर्शन होता है, चाहे पीछे का हो चाहे आगे का पोर्शन हो, दोनों ही कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लैट वॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वॉर्म। कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं बेटा, दो तरीके के पैरासिटिक मोड ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, फर्स्ट इज एंडोपैरासाइट, दूसरे होते हैं एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट्स वो होते हैं जो जनरली किसी के भी बॉडी पे रहना पसंद करते हैं, जैसे कि जो माइट्स होते हैं या जो ऑर्टिक्स होते हैं, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, बॉडी पे रहना पसंद करते हैं ना एनिमल्स की। या फंगस की बात करें तो फंगस कहाँ रहती है, बॉडी पे रहती है, तो ये सारे एक्सोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में रहना पसंद करते हैं, तो बॉडी में जो रहेगा वो कैसा होगा बेटा, एंडोपैरासाइट कहलाएगा, बॉडी में रहेगा, हमारी बॉडी में रहेगा और हमारी बॉडी से ही खाना खाएगा, ठीक है। फाउंड इन द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम सबके अंदर पाए जाते हैं, जूम कर देते हैं बेटा जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा उनके लिए, ठीक है। कैसे रहते हैं बेटा, जनरली हमारी ज्यादा जूम हो गया, इतना ठीक है ना, जनरली कैसे होते हैं बेटा, हमारे बॉडी में रहना पसंद करते हैं, यानी जनरली इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स की बॉडी में रहना पसंद करते हैं। फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो फ्लैट वॉर्म कैसा दिखता है, ये फ्लैट है ना, तो बायलेटरली होगा, मतलब अगर मैं इसको ऐसे काटूंगी तो ये क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ऐसे काटूंगी तो भी ये दो इक्वल पार्ट में हो जाएगा, बट इसके अलावा और कहीं नहीं होगा, तो ये सिर्फ बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब क्योंकि ये हमारे बॉडी में रहते हैं और हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, इसीलिए ये भी कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ से अब चेंज हो गया, अब जर्मलेस ट्रिप्लोब्लास्टिक चलेंगे, अब डिप्लोब्लास्टिक नहीं आएगा, जितनी भी होंगे सारी के सारी अब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ये कैसे होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं, ए सिलोमेट का मतलब होता है जिनके अंदर सिलोमिक बॉडी नहीं होती, सिलोमिक कैविटी नहीं होती, यानी पूरी तरीके से फ्लैट होते हैं, जैसे कि लड़कियां जो रिबन बांधती है ना, जो रिबन होता है बिल्कुल वैसे होते हैं बेटा, ये रिबन टाइप के ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल फ्लैट होते हैं, कोई कैविटी नहीं होती, ए सिलोमेटेड एनिमल्स होते हैं। इनके बॉडी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, अभी तक कैसा चल रहा था, टिश्यू लेवल चल रहा था, लेकिन अब कैसा है, ऑर्गन है, क्योंकि हमारी बॉडी में रहेंगे तो ऑर्गन सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर भी होगा, ठीक है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। अब तुम एक बात बताओ, सपोज मान लो कि तुम्हें तुम्हारी क्लास में कोई लड़का है, ठीक है, या कोई लड़की है, वो तुम्हारी दोस्त है, वो उसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, ठीक है, और तुमको बहुत अच्छा लगता है उसके टिफ़िन का खाना, लेकिन तुम्हारी उससे लड़ाई हो रखी है और तुम अपने स्कूल में गुंडे हो, बढ़िया वाले बड़े वाले गुंडे हो, तो तुम्हें उसका टिफ़िन बॉक्स खाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम अगर उससे लड़ने जाओगे तो कुछ ना कुछ हथियार लेकर जाओगे, तभी तो तुम उसका खाना खा पाओगे। सेम चीज़, इन्हें हमारी बॉडी में रहने के लिए किसी ना किसी हथियार की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके पास हथियार क्या होता है, इनके पास हथियार होता है हुक्स, जो पकड़ने में काम आते हैं, प्रे को पकड़ते हैं पहले, और सकर्स क्या करते हैं, जो भी फूड होता है उसको सक करने का काम करते हैं, तो हुक्स एंड सकर इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये खाना लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, ठीक है, सपोज मान लीजिए टेप वॉर्म जो है, फ्लैट वॉर्म, वो हमारी बॉडी के अंदर आ गया, अब अगर वो मेरी बॉडी के अंदर आएगा तो मेरी बॉडी से ही तो खाना लेगा, तो वो हमारी बॉडी से खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, हेलो
लाइट कौन नहीं, अरे एक सेकंड रुको, ये क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? नहीं, अरे दया जी कहाँ थे तुम? गुड इवनिंग जी, कहाँ हो? अब जब क्लास जब बोर्ड बंद हो गया तब आए तुम? ये क्या बात हुई भाई, ये क्लास में किस तरीके की कॉमेडी चल रही है, क्या हो रही है? तुम्हारे सर में जू है बेटा, मेडिमिक्स लगाओ। ये किस तरीके की बातें चल रही हैं क्लास में? अबे क्या हो गया इसको, इसका मन नहीं था पढ़ने का आज। मन नहीं इसका पढ़ने का। मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्लास कब होगी बेटा? कल होगी। कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है? मैम ये हेजल नाम से कोई परेशान करता है। हेजल इज कोई और नहीं है, हेजल वो है वैशाली राजपूत है, तो उसका बनता है तुम्हें इतना परेशान करना। मैम उसको बोलो न्यू आईडी से मैसेज करे ना करे। तुम क्या मैसेज करके क्या बोलती है भाई? ऐसा क्या कर रही है वो? दीदी बहुत डर लगा मुझको, मेरा टेस्ट है। अच्छी बात है बेटा, डर का मतलब होता है तुमने पढ़ा है। डर उसको नहीं लगता जिसने पढ़ा नहीं होता, तो और पढ़ो और डर लगना चाहिए। ये डर इतना होना चाहिए कि तुमको रात को नींद ही ना आए, समझ रहे हो? इतना होना चाहिए। जिस दिन ये डर इतना हो जाएगा उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलो भाई, तो हम क्या पढ़ रहे थे, छोटा सा टॉपिक है बस, ख़त्म हो गया बच्चों, छोड़ रहे हैं आपको, कल आगे पढ़ेंगे। कल तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा बेटा, कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो बॉडी पे रहना पसंद करते हैं, यानी एक्सो पैरासाइट इन नेचर होते हैं, ठीक है बेटा? दूसरा क्या है, इनके बॉडी में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मार्क करवा रही हूँ। फ्लेम सेल्स जो होते हैं ये किसका काम करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एक्सक्रीटरी
सिस्टम का काम करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर पाए जाते हैं? बॉडी पे पाए जाते हैं। इनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में रह रहे हैं तो जितना बॉडी के अंदर रेगुलेशन होगा पानी का वो कंट्रोल करना, और एक्सक्रेशन देखना, ये काम इनका होता है। ठीक है, फ्लेम सेल्स का इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मेल फीमेल एक ही के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में रहते हैं जनरली, तो फर्टिलाइजेशन भी कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा? इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर ही हो जाएगा, बाहर तो जाएंगे नहीं, तो इंटरनल हो जाएगा। अब जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उस वजह से अगर हमें एक बार फ्लैटवॉर्म या टेपवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाए, जो कि गंदे खाने से होता है, हमें गंदा पानी पीने से होता है, तो वो बार बार बढ़ता रहता है, वो जल्दी से ठीक नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है, एग बनता है, वो एग फिर से प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में और हमें दिक्कत करता रहता है। सो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया बेटा? इंटरनल हो गया। डेवलपमेंट, बहुत सारे लार्वल स्टेज बनते हैं, ठीक है, इनके लार्वल स्टेजेस को बेटा सेपरेटली पढ़ लेना, आपको ट्रूमेंस में मिल जाएगा, ठीक है, या नेट पे मिल जाएगा। इनके जितने भी लार्वल स्टेजेस हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ज़रूर लार्वल स्टेजेस को करके जाना, ठीक है। कुछ मेंबर्स में जैसे कि आपको प्लेनेरिया दिया हुआ है, इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। सपोज मान लीजिए फ्लैटवॉर्म है, इतना पार्ट सुबह 5:40 से बाहर निकल गया, ठीक है, इतना पार्ट, तो ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, वापस से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, इसीलिए इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं, टीनिया, टेपवॉर्म और फेसिकोला, ये लिवर फ्लॉक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का, तो सारे बच्चों से अनुरोध है 9:30 बजे क्लास में पहुंच जाइएगा, ठीक है, 9:30 बजे क्लास में पहुंच जाना। चलो जी, और बताओ भाई, थोड़े बच्चों को बोल के, यार बच्चों को बोल दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, तुम लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है। बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, अब इसमें देखो मेरा कोई जोर नहीं है, है ना, अब कोई मच्छर आके मुझे काट के चला गया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ क्लासेस मुझे पता है थोड़ी ऑन एंड ऑफ रह रही हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश पूरा करते हैं कि आपको आपके थ्रू आउट दी सेशन तक आपको हेल्प करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी राजेश, क्या हाल है? राजेश भैया का सिलेक्शन हो गया है, तो भैया को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दो सारे बच्चे, ठीक है, जल्दी राजेश भैया से आपको मिलवाएंगे भी। हाँ बच्चे, राजेश आज, अरे बस यार ऐसे हो गया, अब कल करती हूँ पक्का, ठीक है, चलो, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, सी यू, ध्यान रखो, पढ़ाई कर